गुड मॉर्निंग टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, ये एक्टिविटीज टाइम्स के बारे में बताया था, जिसको कैपिटल लेटर में आपको ये लिखना था। उसके बाद मैंने डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिविजन हो जाए, ये कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है जबकि ह्यूमन फास्ट एज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिसाब से ये फास्ट काम नहीं करता है कंपेयर टू कंप्यूटर। ये कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, बट ह्यूमन कैन मिस्टेक्स। ये कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, बट ह्यूमन डू नॉट गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ह्यूमन थकने लग जाता है। ये कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क अवर एंड अवर अगेन, बहुत सारा काम एक बार बार कंप्यूटर कर सकता है और जबकि ये नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर हैज वेरी गुड मेमोरी, और कंप्यूटर के पास मेमोरी अच्छी होती है, जबकि ह्यूमन मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन देयर माइंड, और अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को वो भूलता रहता है। अगला, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन, क्योंकि ये यूजर के थ्रू चलता है। ह्यूमन हैव फीलिंग्स एंड कैन टेक डिसीजन, और डिसीजन को वो रख सकता है। अब थस यू कैन सी दैट देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर, और हमने बहुत सारे इसमें डिफरेंस देखे। अब ये एक्टिविटीज़ टाइम वगैरह है, ये आपके इसमें एक्टिविटीज़ अभी नहीं करनी है, जब जिस समय प्रैक्टिकल होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। रिकॉल टाइम्स, रिकॉल टाइम्स क्या होता है कि पूरे चैप्टर का एक समरी। थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा दिया जाता है उस थिंग्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, और उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। ए कंप्यूटर इज ए मैन मेड मशीन, कंप्यूटर क्या है, मैन मेड मशीन होती है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और अपने काम कर सकता है। ये इसके इम्पोर्टेंट रिकॉल टाइम है, ये आपके होमवर्क में भी है, जिस बच्चों ने नहीं किया वो अच्छे से इनको कर ले। ये रिकॉल टाइम है जो इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके होमवर्क है 7-8। अब ये एक्सरसाइज टाइम आपको करना है, उसको जिस बच्चों ने कर लिया है उनको वापस से नहीं करना है, लेकिन अब दूसरे बच्चों को जिसने नहीं किया उनको शुरू से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल थिंग्स, मतलब इनमें से कौन सी नेचुरल थिंग्स है, पेन टेबल और टाइगर। पेन के नेचुरल थिंग्स है, नहीं, ये ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया है। टेबल ये भी ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया, जबकि टाइगर क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है, तो इस पर टाइगर पे मार्क हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड थिंग्स, आदमी के द्वारा क्या बनाया गया है, एप्पल, एप्पल नेचर के द्वारा बनाया गया है। बुक, बुक एक ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड भी बोल सकते हो, मैन मेड भी बोल सकते हो। माउंटेन ये भी एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स रन्स ऑन ह्यूमन पावर, कौन सी ऐसी मशीन है जो ह्यूमन पावर पे चलती है, स्टेपलर बस या कंप्यूटर। इसमें क्या आंसर आएगा, स्टेपलर, ये ह्यूमन पावर पे चलती है। ऐसे तो तीनों मिलते जुलते आंसर है, लेकिन जो तीनों मिलते जुलते होते हैं इसमें से जो 100% सटीक और कंपेयर होता है जब ये स्टेपलर इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन फ्यूल, फ्यूल पे कौन सी चीज चलती है, पेट्रोल किस में होता है, पेट्रोल या डीजल तेल भरवाते हैं कार में,
तो इसका आंसर हो जाएगा कार। यहाँ मैंने आंसर लगा दिया है आपके। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। थिंग्स डैट आर मेड बाय मैन, मेड बाय मैन, मैन के द्वारा बनाया गया है, तो उसको क्या बोला जाता है? आर कॉल्ड ह्यूमन ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब दोनों आंसर, ह्यूमन या मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ऑब्लिक मैन मेड थिंग्स आपको लिखना है। मशीन वर्क फास्ट, वर्क क्या होता है? वेरी फास्ट भी लिख सकते हो आप, फास्ट भी लिख सकते हो। मशीन सेव आवर, मशीन क्या बचाती है? मशीन अपना टाइम बचाती है। एक कंप्यूटर नेवर गेट टायर्स, यहाँ ह्यूमन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कंप्यूटर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। अब हमको क्या लिखना है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रीज आर मैन मेड थिंग्स, क्या मनुष्य के द्वारा पेड़ बनाए गए हैं? नहीं, तो क्या हो गया? फॉल्स। मिक्सर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू। जो जूस बनाने की जो मशीन, जूस जिससे बनता है, किससे चलता है? बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है। कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए और एक इंस्ट्रक्शंस चाहिए, मतलब यूजर चाहिए, यूजर के थ्रू ये चल पाता है, दैट इज़ ट्रू। मशीन आर नेचुरल थिंग्स, मशीन क्या नेचुरल थिंग्स है? नहीं, ये मशीन्स आर मैन मेड या ह्यूमन मेड थिंग्स, तो ये फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। अब हमको आंसर लिखना है। Answer the following question. What are the natural things? Natural things क्या होती है? Things which are given to us by nature. Nature के द्वारा जो things हमको दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? Natural things. आप ये recall number वन, ये इसका पहले का answer है और ऐसे मैंने भी यहाँ पे आपको लिख लिया है। सेकेंड, वॉट आर द मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स क्या होता है? मैन मेड थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, मैन के द्वारा जो जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे वॉट इज ए मशीन, मशीन क्या होती है? मशीन आर मैन मेड थिंग्स, मशीन किसके द्वारा बनाई जाती है? मैन मेड थिंग्स। दे मेक आवर वर्क फास्ट एंड ईजी, अपना काम फास्ट और बहुत ईजी करता है। दे हेल्प अस, वो अपने को हेल्प क्या करता है? टू डिफरेंट वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द मोमेंट, इट इज कॉल्ड मशीन। मशीन आर मैन मेड थिंग्स, दे मेक आवर वर्क फास्ट एंड ईजी, दे हेल्प अस to do different type of work, it is called machine. Last question है, what is a computer? Computer क्या होता है? Computer is a man-made machine. ये natural things नहीं होता है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई things होती है, तो computer is a man-made things, machine. It needs electricity. इसको क्या चाहिए? इसको electricity चाहिए. And our instruction to work, और अपना इंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको करने के लिए उपयोग चाहिए, तो इट इज कॉल्ड ए कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर बोला जाता है। और आज के जो अपने होमवर्क है, पहले आपको क्या करना है? इसका रिकॉल टाइम करना है, उसके बाद अपने को होमवर्क में ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये MCQ करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेरे सब भरे हुए हैं, आपको बस अच्छे से समझ के अच्छी राइटिंग से ये नोटबुक में लिखना है। ट्रू और फॉल्स, ये जो चार दिए हुए और क्वेश्चन आपको अच्छे से आपको लिखना है। व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स, और ये थिंग्स का आंसर लगा के आपको अच्छे से इसमें ये लिखना है, ये 1, 2, 3 एंड ये 4th। ये अपने आज का जो चैप्टर नंबर 1 आपके कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में ये, देन ये पेपर, उसके बाद
ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन में करना है। ये चैप्टर कंप्लीट आपको हो गया। थैंक यू।